तो जैसे ही आप लोग HDFC Sky के ऊपर में अपना अकाउंट बना लेते हो तो आपको यहाँ पर लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपने पहले ही HDFC सिक्योरिटीज के साथ में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा रखा है तो आप लोग HDFC Sky के साथ में अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वीडियो नहीं है। शेयर मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। तो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट HDFC Sky के साथ में ओपन कराना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर में आपको फुल प्रोसेस जानने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने HDFC सिक्योरिटीज के साथ में पहले ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा रखा है तो आप लोग HDFC Sky के साथ में अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकते। अगर आपको इसमें अपना अकाउंट ओपन करना है तो आपको पहले HDFC सिक्योरिटीज में अपना डीमैट अकाउंट को क्लोज करना होगा। उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आपको उस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट वहां पर क्लोज करा के इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो HDFC Sky के ऊपर में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक से जाकर HDFC Sky का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉग इन और साइनअप का। तो जैसे ही आप लोग अकाउंट पूरा बना लेते हो तो यहाँ पर आपको लॉग इन करना है, लेकिन अभी हमको यहाँ पर नया अकाउंट बनाना है तो हम लोग को यहाँ पर साइनअप वाले पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मेल आईडी लिखना होगा, रेफर कोड वगैरह होगा तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो, और यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट करना होगा। वैसे यहाँ पर आपको जीमेल आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आप उससे भी साइनअप कर सकते हो। ईमेल वगैरह डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर सबमिट करना होगा और यहाँ पर नीचे वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर ऊपर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना होगा, नीचे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ जैसा आपके पैन कार्ड में होगा वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हो, और यहाँ पर नीचे प्रोसीड KYC पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 प्रोसेस करना होगा अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह अपलोड करने होंगे, सेकंड में आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा, और थर्ड और लास्ट में आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। तो इस वाले पेज पे आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पर डिजी लॉकर वाले पेज पर आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर टिक करना होगा और यहाँ पर नीचे ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। ये वाला जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ये डायरेक्टली हम लोग डिजी लॉकर से कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर मैन्युअली ऐड नहीं करने होंगे आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह। अगर आपने भी डिजी लॉकर में अपने कार्ड्स वगैरह अपलोड करके रखे हुए हैं तो डायरेक्टली वहाँ से ये अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपने डिजी लॉकर में जो भी पिन सेट किया होगा 6 डिजिट का, तो उस पिन को आपको यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर नीचे डन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिजी लॉकर से सारे डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ब्लर किया हुआ है। यहाँ पर आपको ऊपर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर नीचे अलाउ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो KYC प्रोसेस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड प्रोसेस पे आ गए हैं। सेकंड प्रोसेस में हम लोग को यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल्फी का पेज ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, और यहाँ लास्ट वाले पे जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम लिखना होगा और नीचे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप उनको नॉमिनी बनाना चाहते हो या फिर नहीं। तो अभी यहाँ पे मैं इसको नो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज ओपन होगा, तो इस वाले पेज पे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। आप जो भी जॉब करते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, और उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना ईयरली इनकम सेलेक्ट करना होगा। तो इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला टैब ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप लोग पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो या फिर नहीं, और नीचे यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इतना कर लेने के बाद में यहाँ पर बैंक अकाउंट सेक्शन का पेज ओपन होगा,
अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है उस बैंक को आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा अकाउंट यहाँ पर SBI के ऊपर में है, तो यहाँ पर मैं SBI सर्च करूँगा और यहाँ पर नीचे लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड लिखना होगा और यहाँ पर नीचे लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना होगा और नीचे यहाँ पर लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद में आपका यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना होगा। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल जितने का भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप लोग NSE, BSE जिस पे भी ट्रेड करना चाहते हो उस पे आपको टिक करना होगा और नीचे यहीं से आप लोग डेरिवेटिव सेगमेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हो। पर यहाँ पे अभी मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। तो इन दोनों को टिक करने के बाद में नीचे यहाँ पर आपको स्किप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके आप लोग अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ई साइन करना होगा। तो उसके लिए ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको इन दोनों बॉक्स पे टिक करना है और यहाँ पर नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर रेडी होगा। इस फॉर्म को वीडियो में मैं यहाँ पर ब्लर करूँगा, पर आप लोग अपने फॉर्म को यहीं से चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद में नीचे यहाँ पर आपको साइन नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको ये वाले बॉक्स में आपका आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। नीचे यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक करना होगा और यहाँ पर ऊपर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना होगा। आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना होगा और यहाँ पर नीचे वैलिडेट OTP पे क्लिक करना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर ई साइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और उसके बाद डायरेक्टली आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे ये वाले पेज पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन तीनों प्रोसेस को हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोग HDFC स्काई के मोबाइल ऐप के अंदर में लॉगिन हो चुके हैं। पर अभी हमारा जो अकाउंट है वो रेडी नहीं है ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर 1 से 2 दिनों का टाइम लगता है अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ट्रेड वगैरह कर सकते हो। तो लॉगिन आईडी वगैरह आपको डायरेक्टली मेल पर मिल जाएगा। तो आप लोग मेल वगैरह को चेक कर सकते हो लॉगिन आईडी के लिए। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है तो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में लॉगिन कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आपके अकाउंट का यहाँ पर वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है और जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा और आप लोग यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। लेकिन आप जब भी यहाँ पर लॉगिन करोगे तो आपसे यहाँ पर OTP लिया जाएगा। तो बार बार OTP देने से बचने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर इन दोनों को आपको इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर आपको बार बार OTP देना नहीं पड़ेगा। और अब अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या फिर कोई और डीमैट एप्लीकेशन के साथ में अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करना है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के फ्री डीमैट अकाउंट लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके आप लोग अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं। और अब अगर आपको जानना है कि आप लोग HDFC सिक्योरिटीज के साथ में अपने अकाउंट को कैसे क्लोज करा सकते हैं तो आप लोग ये वाली वीडियो के अंदर में क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर में।